like a Hellcat. भाई राम राम है सभी भाइयों को। जैसा कि देख सकते हैं आप भाई, अभी अभी, अभी मैं छत पे आया था तो कबूतर मैं छत पे आया था कबूतर खोले भी नहीं थे, तो एक कबूतरी थी जो घूम रही थी आसपास। तो मैंने जैसे ही कबूतर खोले भाई, बैठ गया के देखो वो किनारे पे बैठी हुई कबूतरी है, मद्रासी कबूतरी है किसी की, बहुत अच्छी रात निकली हुई कबूतरी है भाई। तो अभी इसे पकड़ने की ट्राई करते हैं भाई, हाथ आ गई तो ठीक है, नहीं तो उड़ गई तो उड़ गई। तो ये मद्रासी कबूतरी है, हरे रंग के बाले पहने हुए इस कबूतरी ने, जो कॉर्नर पे बैठी हुई है भाई, बिल्कुल कोने पे। रात निकली हुई कबूतरी, बिल्कुल टूटी पड़ी है भाई। तो ये अपने कबूतर मैंने अभी अभी खोले थे, तो अभी पकड़ने की ट्राई करते भाई, हाथ आ गई तो ठीक है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी फटका दिए हैं कबूतर, देख रहे होगे आप। तो अभी अभी आके बैठी है, हरे रंग के बाने पहने हुए हैं इसने, मद्रासी कबूतरी है। हाथ आ गई तो देखते भाई, दाना वाना डाल के ट्राई करता हूँ मैं। और कल एक कबूतर और आया था, वो भी मैंने वीडियो डाली थी, जिस भाई ने नहीं देखी हो देख लेना। तो भाई बस ये टाइम पास के लिए है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि किसी का शौक खराब करने का, ठीक है भाई। बस टाइम पास के लिए अगर बैठ गया, इसलिए आपके लिए आपको दिखा देता हूँ। देखो नीचे उतरेगी कबूतरी, वो भूखी कबूतरी है भाई, बिल्कुल देखो टूटी पड़ी है। तो ट्राई करते हैं भाई, और आराम से हाथ में आ जाएगी मेरे को जहाँ तक लगता है, उस साइड है वो। मैं दाना लेके आता हूँ भाई नीचे से। ये आ गई देखो भाई, ये आ गई, ये कबूतरी है जो लाल कबूतर गुटक रहा है जिसपे, ये देखो ये कबूतरी है जिसपे लाल कबूतर गुटक रहा, हरे रंग के बाने पहने हुए इसने। कबूतरी बहुत अच्छी कबूतरी है भाई, किसी की रात निकली हुई कबूतरी है, ठीक है भाई। तो देखते हैं, आता जाती हो तो ठीक है। और ये बस वीडियो भाई टाइम पास के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी के मतलब वो शौक खराब करना। अगर आपके पास आ जाए तो दे दिया करो भाई। ये कबूतरी है अभी भाई, आराम से हाथ में, क्योंकि रात निकली हुई, देखो दाने पे कैसे वो रखी है, दाना डालूंगा अभी आराम से हाथ में आ जाएगी, ठीक है भाई। देखते हैं, मैं जस्ट आया ही था भाई, बिल्कुल खोले ही थे कबूतर, मैं एक कबूतर लेके आया हूँ आपको दिखाता हूँ। वो एक भाई के पास से, मतलब इसकी लेकिन गले में थोड़ा वो गांठ बन रखी है, देख सकते हो आप, गांठ बन रखी है। पर कबूतर अच्छा कबूतर है ये, तो इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, देखेंगे भाई ठीक हो गया तो। ये कबूतर है तो देखेंगे ठीक हो गया तो। मैं इसको बाहर निकाल के इससे भी छोड़ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक कबूतरी घूम रही थी यहाँ पे, तो मैंने फिर कबूतर ये खोले तो वो आके बैठ गई। देखो ये कबूतर भी अभी निकाले नहीं थे अच्छे से, पहले इनको बाद में, पहले एक बार वो कबूतरी को देख लेते भाई जिसकी भी है, बाकी आपको शौक करवाता हूँ भाई। दाना ले लेता हूँ, तो भाई मैंने दाना ले लिया है, देखो गेहूँ और बाजरा ही लिया फिलहाल तो, क्योंकि मैं दिन में दाना डालता नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा दाना भी नहीं डालूंगा। और ये कबूतरी आराम से आ जाएगी, टूट रखी है भाई बिल्कुल दाने पे, आराम से आ जाएगी, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, आती है तो देखो देखो कैसे आ रही है भाई, खुद अपने आप ही आ रही है। आ आ, आ ले ये देखो भाई, ठीक है, ये अपने कबूतर है पंजाबी, और ये कबूतरी है भाई देखो, ये जो आगे आ रही है, ये हरे बाने पहने हुए हैं, किसी मेरे भी किसी भी कबूतर के पैर में बाने नहीं मिलेंगे आपको, ये मद्रासी कबूतरी है किसी की, ठीक है। तो आ जाएगा आराम से, देखता हूँ भाई मैं पकड़ता हूँ इसको, फिर आपको शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कैमरा सेट कर देता हूँ ये पे, ये कबूतरी जो पहले नंबर पे खड़ी है, बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे दाने की भूखी कबूतरी है बिल्कुल।
तो भाई ये कबूतरी है, देखो ये कबूतरी है जो अभी आता ही है। ग्रीन इसने ये बाने पहने हुए हैं। कबूतरी बहुत अच्छी कबूतरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि रात निकली हुई कबूतरी है किसी की। ये शौक करो भाई, बहुत शानदार कबूतरी है वैसे तो। काली नोक की आँख, थोड़ी इस आँख में थोड़ा कालापन है। ये जरूर इसके माँ बाप में से या नाना नानी में से कोई मकवाया रहा होगा, काली आंखों का रहा है तभी इसकी आंख में कालापन आ रहा है। और पूछ इसकी, ये पूछ दिखाता हूँ, बहुत शानदार लग रही थी भाई जब ये उड़ते समय। एक तरफ से तो बहुत ज्यादा काली है इसकी, और एक तरफ से पूरी वाइट है, और ग्रीन बाने पहने हुए हैं इसने। तो इसको देखते हैं, जिस भी भाई को चाहिए होगी तो देख लेना भाई, कर लेना कॉन्टेक्ट, ठीक है भाई। तो ये छोटी सी वीडियो थी भाई, टाइम पास ही था, पर दिखाता हूँ आपको पर कैसे हैं, मैंने भी नहीं देखे। ओ देखो भाई, किसी की परंत भी नहीं है अभी तो। ये इसने कली गिराई हुई है, ये यहाँ से कली गिराई हुई है, और इसकी पर की चौड़ाई, ये भाई हाई फ्लायर्स कबूतरों में ही है, क्रॉस है ये, मद्रासी कबूतर और देसी कबूतरी की क्रॉस, हाई फ्लायर काबली कबूतर जिन्हें बोलते हैं उसकी क्रॉस कबूतरी है। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से जो पर है इसके, यहाँ से आ रहे हैं ये, तो बिल्कुल स्ट्रेट पर हो गया। यहाँ से पर इसके देखो ऊपर की तरफ इस साइड घूम रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहचान है, हाई फ्लायर्स में होता है ये, यहाँ से पर घूम जाते हैं क्योंकि ये, और चौड़े पर देखो इसके कितने चौड़े पर हैं, लंबे ना, लंबे पर होते ना इसके, तो तलवार परी जिन्हें बोलते हैं, वो पंजाबी कबूतरों में होते हैं क्योंकि वो नीचे नीचे उड़ते हैं। हाई फ्लायर्स के पर हमेशा यहाँ से मोटे होते मिलते हैं आपको, जो उन्हें आसमान में हवा में रहने के लिए मतलब मदद करते हैं, तो ज़्यादा देर आसमान में रह पाते हैं। तो ये एक पहचान है छोटी, इस पे भी टॉपिक पे बात करेंगे कभी, अच्छे कबूतर की पहचान। तो ये इस कबूतरी के पर हैं भाई, और जोड़ मैं देखता हूँ भाई, जोड़ भी मेरे हिसाब से बड़े लाजवाब जोड़ है, और हड्डी इसकी नीचे से भाई, कबूतरी बहुत अच्छी कबूतरी है, लेकिन है ये क्रॉस में, मद्रासी और देसी का क्रॉस है ये, ठीक है भाई, पर कबूतरी अच्छी है, बहुत अच्छी कबूतरी है किसी की, है छोटी सी हाइट की, बहुत अच्छी क्रॉस में बनाई होगी, क्योंकि हड्डी भी जोड़ जहाँ तक इसका गैप है ना जोड़ का, वो बहुत अच्छा गैप है, और मतलब हड्डी और जोड़ के बीच में जो गैप है वो बहुत अच्छा है, जिससे ये कबूतरी आसमान में ज्यादा देर टिक सकती है, और रात निकली हुई कबूतरी है ये। तो इसको देखते हैं भाई, करते हैं कुछ, और एक पत्ता, सिंगल पत्ते की कबूतरी है भाई, देख लो सिंगल पत्ते की कबूतरी है, बंद दुम की। तो ये अच्छे कबूतर की पहचान है, तो ये छोटी छोटी टिप्स है भाई, जो वैसे इन पे बहुत गहराई में जाना पड़ता है अभी, तो इस पे भी वीडियो डाल लूंगा अगर आप बोलोगे तो कभी। बाकी ये बात भाई, उस्ताद लोग बहुत मुश्किल से उस्तादी में जाके बताता कोई। तो आज की वीडियो बस यही था भाई, टाइम पास ही था, मैं 2 दिन से आ रहे हैं कबूतर पता नहीं किस किस के, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आने वाली बाजी वाली वीडियो के लिए, जैसे जैसे अब बाजी आया करेंगी तो उसकी वीडियो डाला करूँगा, तैयारी कैसे करें कबूतर की, ठीक है भाई।